साइड आ जाए मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि एक सैड सॉन्ग है जो इंस्पिरेशनल है, जो अभी की जो डेली लाइफ में जो मतलब सबके साथ होता है उसके ऊपर बना है ये सॉन्ग। एंड मोस्टली ये सॉन्ग जनवरी एंड तक आने वाला है, तब तक मैं ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं कर सकता। एंड वेल नोन फेसेस भी है, रीम शेख साथ में है मेरी, जो सबसे बड़ी जो इस सॉन्ग में जो एक्ट है उनका। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विथ रीम शेख। एंड बाकी आप बताइए कैसा आप फैन सर फील कर रहे हैं? अभी बॉलीवुड का जाना माना नाम है रीम शेख, तो कैसा फील कर रहे हैं फर्स्ट सॉन्ग सर? आई एम वेरी लकी टू वर्क विथ रीम शेख। फर्स्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ रीम शेख के साथ। एंड आई होप सो कि सब बेटर हो एंड आप लोगों की सबकी दुआएं लगे एंड प्यार मिले, मोहब्बत मिले सबसे। एंड रीम आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको बॉलीवुड में, आपने सब उतार चढ़ाव देखे और अभी बैंगलोर में मॉडलिंग में धूम मचाने के बाद अभी आयान खान बॉलीवुड में इंटर हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? क्या सी, सबकी शुरुआत अलग होती है और इन्होंने अपनी शुरुआत ऑलरेडी की है मॉडलिंग से, बैंगलोर में अच्छा खासा नाम कमाया है। एंड उतार चढ़ाव तो सबके होते हैं। आप सभी को मैं अभी बता के गई थोड़ी देर पहले कि मेरी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आए हैं बहुत सारे। 2 साल का जो मेरा एक गैप था, बट तब हिम्मत नहीं हारी, तो शायद से मेरी हिम्मत और मेरे जज्बा को लेकर ऊपर वाले ने मुझसे हिम्मत नहीं हारी और मुझे हिम्मत हारने नहीं दी, इसलिए मुझे इतना अच्छा शो मिला तुझसे रब्ता, विच आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर। एंड 2019 हैज़ बिन वंडरफुल, इट्स बिन ब्लेस्ड एंड वॉच्ड बाई गॉड, एंड आई होप 2020 भी ऐसे ही जाए। इस गाने के लिए आपने कितनी तैयारियाँ की है? तैयारियाँ देखिए वही जो एक एक्टर को करना चाहिए उसी तरीके से मैंने किया है। वो चीज़ें आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे बोलने से उतना आपको समझ नहीं आएगा। बेटर आप लोग नेक्स्ट मंथ सॉन्ग रिलीज़ हो जाए एंड वो देख के आप बोल सकते हैं, तब आप लोग बोल सकते हैं कि मेरी एक्टिंग अच्छी थी कि नहीं। अब ऑब्वियसली रीम शेख की तो होगी। दोनों भी चीज़ें बोल सकते हैं। इंस्पायरेशन जो है मैं दो लोगों से इंस्पायर हूँ, एक है सलमान खान एंड दूसरे शाहरुख खान। तो एज अ डेब्यूटेंट थोड़ा बहुत एंड एक्साइटेड बहुत सारा। एक्चुअली आइडिया हमारा नहीं था, हम लोगों ने बस सोचा था कि एल्बम सॉन्ग करें एंड जो हमारे इस सॉन्ग को मतलब बनाने जो डायरेक्ट करने के लिए शादाब सिद्दीक एंड हमारे उस बहुत सारे टीम की मदद टीम वर्क हुआ है यहाँ पे। शादाब सिद्दीक हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हमारे नूर सिद्दीक हैं एंड
राइटर हैं, चंदन सक्सेना हमारे कंपोज़र हैं और अमित मिश्रा जी सिंगर हैं, तो ऑब्वियसली प्लेबैक सिंगर बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो हम लोग तो बस एक्ट कर रहे हैं एंड उस चीज़ को फील करवा रहे हैं, जो रिदम म्यूज़िक वगैरह जो भी है उस चीज़ को बस फील करवा रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऑब्वियसली यार अब ये एक्चुअली कहानी थोड़ी लंबी है, काफ़ी कनेक्शंस मिले हैं, लाइक आई थिंक एक ऐसी बात निकली थी, मेरा नाम कहीं से तो निकला होगा, फिर किसी ने कहा कि अच्छा मैं इनको गिफ्ट दूँ। एक्चुअली माय सिस्टर इज फैन ऑफ यू। ओह दैट्स रियली स्वीट। शी यूज्ड टू वॉच योर सीरीज एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है रीम शेख को लेने का, पहले से ही सॉन्ग जब अभी कंप्लीट नहीं हुआ था तब से ही रीम शेख को लेने का प्लान चल रहा था। रियली स्वीट ऑफ देम। मैं तो चलो बाद में आया, बट पहले से इन सब चीज़ों का क्रेडिट जूम इनबिस एंड डायरेक्टर शादाब सिद्दीक एंड नूर सिद्दीक कास्टिंग डायरेक्टर जो हमारे हैं, इन सब का हम दोनों को लेने का जो भी प्लान जो बनाया था जो भी मतलब सोचा था वो इन्हीं लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं आज। अच्छा, क्यों जानना चाहिए जूम इन बेस का सबसे बड़ा हाथ है आपके सॉन्ग के पीछे, तो उनके लिए क्या विशेष है, क्या क्या फील करा उनको, इतनी मेहनत जो उन्होंने आप लोगों के पास सब करने के लिए। आई एम एक्साइटेड टू बी एसोसिएटेड, इट्स माई फर्स्ट मीटिंग विद देम एंड लाइक पहला प्रोजेक्ट है एंड अभी तक तो सब कुछ अच्छा गया है, इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छे से जाएगा एंड देन देखते हैं। ये पहला प्रोजेक्ट है, अब साल भी खत्म होने वाला है, नए साल में और भी बहुत प्रोजेक्ट्स करेंगे साथ में, आगे और भी आगे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो करेंगे, अभी फिलहाल तो इस सॉन्ग पर बात करेंगे हम लोग, इस सॉन्ग को मतलब रिलीज़ हो जाने दो, आप लोग सब बस दुआएं दो और प्यार दो इस सॉन्ग को, उसके बाद में आप लोगों को अच्छा लगे तब हम लोग आगे प्रोजेक्ट्स और अच्छे भी लेके आएंगे। हाँ जी, जनवरी एंड तक मोस्टली हो जाना चाहिए। नहीं अभी तो फिलहाल नहीं, हम लोग अभी क्या करते हैं ये सॉन्ग रिलीज होने दो, जब उसके बाद में हम लोग बताएंगे, अभी बहुत सारी चीजें इस पे फोकस करिए। ओके, लास्टली आप फैंस को क्या कहना चाहेंगे, जो ऑलरेडी आपके फैंस हैं इस सॉन्ग को लेके क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, पर हमेशा कोशिश ये रखी है कि जो भी गाना करूँ वो पहले गाने से थोड़ा अलग हो, और ये गाना मुझे थोड़ा अलग लगा है, और आई थिंक एक लिरिक्स जो है एक गाने के बहुत मैटर करते हैं किसी भी सोर को कनेक्ट करने के लिए, एंड समहाउ जो गाने के लिरिक्स थे आई थिंक उसी से मैं कनेक्ट हुई हूँ, एंड आप सभी ने इतना प्यार दिया है मुझे, तुझसे राबता को इतना प्यार दिया है मुझे, कल्याणी को इतना प्यार दिया है, तो प्लीज़ अयान को भी दीजिए, ये इनका पहला गाना है, एंड आई नो हाउ इट फील्स वेन यू आर अ बिगिनर वेन इट्स योर डेब्यू, बिकॉज एक मेरा भी टाइम था जब मैंने भी डेब्यू किया था, आई वॉज जस्ट सिक्स दैट टाइम, तो मुझे फीलिंग पता है, तो प्लीज़ जस्ट गिव हिम एंड शावर हिम द लव दैट यू गाइज ऑलवेज शावर मी एंड लाइक अस एंड लाइक द सॉन्ग। थैंक यू। आप लास्टली क्या कहना चाहेंगे लोगों से, फ्रेंड्स जो आप लोगों को देख रहे हैं, सॉन्ग के लिए क्या दुआ करेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि मतलब जो सॉन्ग अभी आ रहा है मेरे सभी को, सबसे पहले मैं क्रिसमस की बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और प्रेम के तो माशाल्लाह बहुत सारे फैंस हैं, मेरे जो भी हैं चाहने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उन सब से कहना चाहूँगा कि मतलब बहुत जल्दी सॉन्ग आने वाला है, उसको आप लाइक कीजिए, उस पर मतलब कुछ अगर है तो बताइए एंड हम लोग चीज़ें अपडेट करते रहेंगे, एंड ड्रीम को भी एक्चुअली फॉलो करते हैं बट मगर जो नहीं करते वो भी फॉलो कीजिए। Back one, yes.
सबसे पहले तो नया गाना आने वाला है, क्या कुछ आपकी तरफ से होने वाली है और थोड़ा सा बताइए, काफी सस्पेंस रखा गया अभी तक। एक्चुअली ये सब बहुत जल्दी जल्दी सब प्लान हुआ है, तो मेरे लिए सस्पेंस से ज़्यादा सरप्राइज था ये। बट आई एम एक्साइटेड बिकॉज गाने आजकल चल रहे हैं ट्रेंड में, और लाइक गाने समथिंग सॉन्ग्स आर समथिंग फॉर मी विच कीप्स मी कनेक्टेड। मैं किसी भी वक्त कोई भी टाइप का गाना सुन सकती हूँ और गानों से मेरा पूरा मूड बदल जाता है। इवन गाने एक्टिंग में बहुत यूज़ होते हैं, एज एन एक्टर इफ़ आई टॉक देन एक गाना सुन के आपका पूरा मूड चेंज हो सकता है। तो सॉन्ग्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एम ग्लैड बींग अ पार्ट ऑफ सच अ नाइस सॉन्ग, सच अ डीप एंड अ वेरी इट्स अ डिफरेंट सॉन्ग। सी गाने का नाम अभी तक मैं जानती भी नहीं हूँ, और मैं अगर जानती हूँ तो भी मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी। बट मैंने गाने का स्क्रैच सुना है एंड स्क्रैच सुन के ही मुझे गाना बहुत अच्छा लगा। यू नो एक गाने में म्यूज़िक के बाद आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो उसके लिरिक्स होते हैं, बिकॉज लिरिक्स से आप कनेक्ट कर पाते हो, लिरिक्स से आप अपने लाइक यू नो या तो आप रिलेट कर पाते हो लिरिक्स से, तब आपको गाने बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। समहाउ मुझे मैं गानों की लिरिक्स से कनेक्ट कर पाई हूँ, सो दैट्स वन ऑफ द रीजन दैट आई रियली लाइक्ड द सॉन्ग। एंड स्क्रैच सुन लिया है, कल रिकॉर्डिंग हुई है, बस रिकॉर्डिंग फाइनल रिकॉर्डिंग सुनना है बाकी। मतलब बैंगलोर से उभरते मॉडल आयान खान आपके सामने आ रहा है, तो बॉलीवुड में ऑलरेडी काफ़ी कुछ करना चाहते हैं और बैंगलोर में काफ़ी मॉडलिंग नाम कमा चुके, तो कैसा फील करें उस साथ में? सी इट वुड बी वेरी नाइस बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट जो लोग लाइक यू नो एक इंसान को भूख होनी चाहिए काम की। जैसे जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे काम की भूख थी, आई वॉज लाइक यू नो मैं काम करना चाहती थी, मेरे अंदर थी वो भूख, मेरे अंदर थी वो आग। तो वैसे ही अगर पैशन किसी और में देखती हूँ तो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। एंड ऐसी सेम बातें मैंने अयान के बारे में भी सुनी है, मिली नहीं हूँ अभी तक उनसे पर आज मिलने वाली हूँ। तो सुन के तो पता चला है कि ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम बिकॉज आई रियली लाइक मीटिंग सच पैशनेट पीपल बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु आर रियली पैशनेट अबाउट माई वर्क, सो आई वुड लाइक टू मीट समवन लाइक दैट। आई एम मेकिंग इट वेरी ऑब्वियस दैट इट्स क्रिसमस बिकॉज आई एम वेयरिंग फुल रेड, आई एम इन टू ऑल द क्रिसमस वाइब्स। एंड कुछ नहीं, मेरे सारे दोस्त दोस्तों से मुलाकात होगी, एक छोटी सी हाउस पार्टी है, एज यू ऑल नो दैट मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड है अवनीत आफ्ताब भाई एंड एवरीवन, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पार्टी एज वेल। आफ्टर दिस इवेंट आई एम गोना बी अटेंडिंग द पार्टी, तो मज़ा आएगा। क्रिसमस की मेमोरीज अगर बात की जाए तो मुझे क्रिसमस के नाम से ही माउंट मैरी चर्च की याद आती है, बचपन से मेरी वहीं की मेमोरीज रही है, ऑलमोस्ट हर क्रिसमस पे जाने की कोशिश करती हूँ मैं। एंड माउंट मैरी इज़ समथिंग दैट आई फाइंड इट वेरी पीसफुल टू गो देयर एंड जस्ट लाइट द कैंडल एंड सिट देयर, सो या आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू माउंट मैरी व्हेन एवर पॉसिबल। रेजोल्यूशन देखिए आई बिलीव दैट सिर्फ न्यू ईयर्स पे नहीं बनाने चाहिए, लाइक ये आई थिंक इसको हाइप कर दिया गया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी मोड पे आके रियलाइज़ करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए या आपको ऐसा करना चाहिए, तो आप अपना रेजोल्यूशन तभी से बना सकते हैं, किसी को न्यू ईयर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं शायद अभी यहाँ पे खड़े खड़े कुछ रियलाइज़ कर लूँ और अभी से डिसाइड कर लूँ कि मैं ऐसा करूँगी ऐसा नहीं करूँगी, सो नथिंग समथिंग दैट आई हैव थॉट ऑफ कि मैं न्यू ईयर के बाद से ऐसा नहीं करूँगी। 2019 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा, 2020 के क्या प्लान्स हैं? अल्लाह का शुक्र है 2019 मेरे लिए बहुत अच्छा साल रहा है, मैंने तुझसे राब्ता किया, इट्स डूइंग सो वेल, थैंक यू टू ऑल माई लवली फैंस बिकॉज द शो इज़ डूइंग वेल एंड राब्ता इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ मी नाउ, कल्याणी हैज़ बिकम वेरी डियर टू मी, कलमा हैज़ बिकम वेरी डियर टू मी, और इतना कुछ सीखने मिला है इस शो से, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती क्या क्या सीखा है। राब्ता इज़ एक्चुअली राब्ता के जितने भी लोग हैं स्पेशली मल्हार एंड लाइक आई मीन सहबान एंड शगुन, वो मेरा असल राब्ता बन चुके हैं, तो इस शो ने काफ़ी कुछ दिया है वो। इट्स जस्ट बीन अ वंडरफुल ईयर और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आने वाला साल भी ऐसे अच्छे से जाए, तुझसे राब्ता ऐसे अच्छे से TRPs आए और इसी तरह आप लोगों को पसंद आते रहे। जी देखिए प्लानिंग
मैं अभी फिलहाल कुछ प्लान नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा सीरियल दिया है. आई डोंट वांट टू जस्ट बी मोर ग्रीडी एंड आस्क हिम दैट मुझे अब मूवी भी दे दो. जब सही वक्त आएगा, जब ऊपर वाले को लगेगा सही वक्त है, तो इंशाल्लाह मूवी भी मिल जाएगी. देखिए, जब एक इंसान में पैशन होता है, काम की भूख होती है, एक यू नो जुनून होता है करने का, देन यू नो नोबडी इज स्टॉपिंग, देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप हिम. एंड वो जुनून देख के ऊपर वाला भी आपका साथ हमेशा देता है. ये मैंने लाइफ में सीखा है, जब तक आप में वो जुनून है, जब तक आप में वो यकीन है, तब ऊपर वाला भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा. सो आई वुड जस्ट, अगर एक एडवाइस देने की बात कही जाएगी तो यही दूंगी, दैट नेवर लूज योर पैशन एंड लाइक जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड. उतार चढ़ाव सबने बहुत देखे हैं, मैंने भी बहुत देखे हैं. सभी को पता है दैट अशोका के बाद से मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक था 2 साल का, जब मैंने कोई शो नहीं किया था. 4, 10, 20 आई रिमेंबर 10 कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे, लेकिन एक भी शो स्टार्ट नहीं हुआ था. 2 साल तक ये टाइम ऐसा फेज चला था मेरी लाइफ का, बट वी नेवर गेव अप, वी हैड फेथ ऊपर वाले में, और उसके बाद मुझे इतना अच्छा शो मिला. सो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव हिम, विच इज़ अबाउट मी. तो आई थिंक किसी और का एग्जाम्पल देने की अब ज़रूरत नहीं. यस एंड ऑल द बेस्ट अयान, एंड प्लीज़ जल्दी आ जाओ, यू शुड नेवर कीप अ गर्ल वेटिंग. थैंक यू. आइए सर, यहाँ पे आइए. अरे वो रिम मैम बोलो ना.